हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं क्लोज की, और क्लोज में जो था हमारा तीसरा पॉइंट और वो था पूज। किसका प्रयोग था बेटा? पूज। पूज का प्रयोग जो है वो ऑब्जेक्ट के पसेशन के रूप में किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्वामित्व दर्शाने के लिए किया जाता है। पूज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे करता है, क्वेश्चन जो हमसे करता है वो करता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। लेकिन जिसका आंसर निकलता है वो निकलता है बेटा जिसका या जिसकी। तो लिखो इसमें किसका प्रयोग, किसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग व्यक्ति वस्तु जानवर, इसका प्रयोग व्यक्ति वस्तु जानवर आदि के लिए, आदि के स्थान पर, आदि के स्थान पर किया जाता है, आदि के स्थान पर किया जाता है। यह है आदि, यानी इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग व्यक्ति वस्तु जानवर आदि के स्थान पर किया जाता है। यह है अपने, यह है अपने सब्जेक्ट के साथ, यह है अपने सब्जेक्ट के साथ पसेसिव, पसेसिव नाउन। यह है अपने कर्ता के साथ या सब्जेक्ट के साथ पसेसिव नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, यह अपने सब्जेक्ट के स्थान पर पसेसिव नाउन के स्थान पर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। आगे लिखो इसमें यदि, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो तथा, तथा रिक्त स्थान के बाद, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु या, वस्तु या क्रिया दी गई हो तो, वस्तु या क्रिया दी गई हो तो वहां निम्न सूत्र काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। देखो बेटा ये कह रहा है हमसे, यानी इसका हिंदी अर्थ जो होता है, इसका हिंदी अर्थ यानी जिसका जिसकी, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में
किया जाता है, इसका प्रयोग यानी देखो बेटा व्यक्ति वस्तु जानवर, व्यक्ति वस्तु जानवर आदि के स्थान पर किया जाता है। यह अपने कर्ता के साथ, किसके साथ बताओ, कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट जो आएगा उसके साथ पसेसिव नाउन के स्थान पर, किसके स्थान पर, पसेसिव नाउन के स्थान पर प्रयोग में लिया जाता है। ये कह रहा था यदि रिक्त स्थान से पहले, किससे पहले, रिक्त स्थान से पहले कोई क्या हो, व्यक्ति हो, पर्सन हो, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई क्या हो, वस्तु हो, पहले पर्सन हो उसके बाद कोई चीज हो या फिर क्या हो, क्रिया की गई हो, तो वहां निम्न सूत्र काम में लेते हैं, तो वहां निम्न सूत्र काम में लेते हैं। अब बेटा उसके फॉर्मूला है वो नोट करो, फॉर्मूला देखो आगे इसके फॉर्मूला बताओ, और फॉर्मूला जो है इसमें चार पांच हैं उनको नोट करके जाओ आप। अब नंबर एक फॉर्मूला डालो आप, फॉर्मूला ए, और ए में लिखो बढ़ाओ, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट या पर्सन, सब्जेक्ट या पर्सन, उसके बाद आएगा हुज, हुज के बाद आएगा आपका वर्ब, वर्ब के बाद आएगी आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका एक्सेट्रा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद हुज आएगा, हुज के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और एक्सेट्रा आएगा। नंबर बी पे देखो बेटा, पर्सन, पर्सन के बाद हुज आएगा, हुज के बाद फिर पर्सन आएगा आपका, पर्सन के बाद थिंग आएगी यानी वस्तु, और थिंग के बाद आपका एक्सेट्रा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका। नंबर सी, पर्सन, पर्सन के बाद थिंग, थिंग के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद जो है आपका एक्सेट्रा आएगा, क्या आएगा, एक्सेट्रा आएगा। नंबर डी में जो है आपका थिंग, थिंग आएगी, थिंग के बाद पर्सन आएगा, पर्सन के बाद आपकी वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद एक्सेट्रा आएगा। देखो बेटा वो, और नंबर ई में आपका पर्सन प्लस पर्सन, पर्सन प्लस पर्सन, और वर्ब प्लस एक्सेट्रा। ये पांच फॉर्मूला का उसके अंतर्गत जो हमें ध्यान देने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कि कर्ता आएगा, क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आ जाए या पर्सन आ जाए, एक ही बात है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आएगा आपका हुज, किसका प्रयोग होगा, हुज का, हुज के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक्सेट्रा। ये इसके अनुसार ही आपका क्या होगा, क्लोज प्रयोग होगा। ये फॉर्मूला जो है ऐसे भी बाइक आ सकता है आपका, ठीक है ना, सेंस के अंतर्गत या फिर सेंटेंस जो भी आ जाए उसके अंतर्गत इसी तरीके से भी आती है। देखो पर्सन, पर्सन के बाद हुज, हुज के बाद फिर पर्सन, थिंग और एक्सेट्रा, यानी कर्ता में कर्ता के बाद हुज है, हुज के बाद फिर कर्ता है, यानी कर्ता प्लस हुज प्लस कर्ता प्लस वस्तु, और वस्तु के बाद आपका सेच बाय। तीसरा है पर्सन, वही कर्ता आ गया, और कर्ता के तुरंत बाद क्या जाए, वस्तु, और वस्तु के बाद क्या जाए, वर्ब, और वर्ब के बाद आपका शेष बाय। तीसरा है वस्तु पहले आ सकती है, और कर्ता क्या हो सकता है, बाद में भी आ सकता है, और उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद आपका एक्सेट्रा। पर्सन प्लस पर्सन दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, यानी बाई
पर्सन जो है आपके कर्ता जो है अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हैं तो क्या हो सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं और उसके बाद आपकी वर्ब और वर्ब के बाद आपका एक्सेट्रा। ये पांच फॉर्मूला थे, इनको क्लियर करने के लिए नीचे एग्जांपल दे दिया बेटा, उनको देखो आप पहले। नंबर फर्स्ट एग्जांपल नोट करते जाओ, अमर इज ए डॉक्टर, अमर इज ए डॉक्टर, इज सन इज ए टीचर। देखो बेटा सेंटेंस आया आपके सामने, अमर इज ए डॉक्टर, इज सन इज ए टीचर, अमर करता है। अब देखो अमर यहां पे करता है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए डॉक्टर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है डिसीजन, डिसीजन किसका भी हिज किसके लिए आया यहां पे भाई, अमर का ही तो बेटा है, किसका बेटा है, अमर के बेटे के लिए। तो हिज का प्रयोग यहां पे किसके लिए हुआ, अमर, यानी इसका इसे क्या हो गया संबंध हो गया, किसका किसकी, अमर का जिसका जिसकी, हो गया कि हो गया संबंध। इज ए टीचर, अब देखो चेंज कैसे करके पीछे लिखा आएगा भाई खुद का प्रयोग। देखो अमर सबसे पहले पर्सन ले लिया हमने, पर्सन के बाद हुज लगा दिया बेटा, हुज आ गया, हुज के बाद यानी सेकंड वाक्य को लाओ पहले और हिज जो है इसमें से क्या हो जाएगा हट जाएगा, हिज को क्या करेंगे इसमें से हटा देंगे। तो अमर हुज सन इज ए टीचर, अमर हुज सन इज ए टीचर, उसके बाद कॉमा लगाते इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अमर जिसका बेटा एक अध्यापक है, वह स्वयं क्या है एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, स्वयं क्या है एक चिकित्सक है। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा उसमें, सेकंड आई नो रमेश, आई नो रमेश इज एस ए एडजस्टेड वाई द प्रिंसिपल, वाई द प्रिंसिपल। देखो बनेगा कैसे यहां पे, अब ये सेंटेंस आया आई, आई यहां पे क्या बताओ करता है और आई नो रमेश, यानी मैं किसको जानता हूं, रमेश को जानता हूं। अब बताओ आई नामक करता जानता है, लेकिन रमेश के लिए सेकंड वाइक में क्या प्रयोग हुआ है, हिज भाई, आई के लिए हिज नहीं आया यहां पे, किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया भाई, मैं रमेश को जानता हूं, उसका आ गया ना किसका, रमेश का, किसका उसका आ गया, कोई बात नहीं किसका उसका, ऐसे जो था एडजस्टेड माने समाहित कर लिया या ले लिया वाई का प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक के द्वारा। ठीक है बेटा, देखो चेंज कैसे करेंगे सेंटेंस को, आई हुज, आई हुज इधर जाएगा एस ए एडजस्टेड वाई द प्रिंसिपल, वाई द प्रिंसिपल नो रमेश, नो रमेश। देखो बताओ आए हुज ऐसे एडजस्टेड बाय द प्रिंसिपल नो रमेश, यानी क्रियाएं क्या हो गई दोनों समान हो गई, क्रियाएं जब समान है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए यानी हुज का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल लिखो जिससे कि आपके क्या हो जाए क्लियर हो जाए बेटा। एग्जाम्पल लिखो आप कॉम्पिटिटिव टाइप में, नंबर थर्ड है बताओ, थर्ड में नोट करो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, हर लेग इज ब्रोकन, हर लेग इज ब्रोकन,
जिसे जोड़ना है नंबर 4 राहुल इज ए, राहुल इज ए डॉक्टर, राहुल इज ए डॉक्टर, इज फादर इज ए शॉपकीपर। ये भी आपको उससे जोड़ना है बताओ। नंबर 5 आए भारती ने स्कूल एन ए स्कूल, आए वर्क इन ए स्कूल, माय सन, माय सन वर्क्स इन ए कंपनी, इन ए कंपनी। ये बताओ सेंटेंस है। अब देखो वही स्थिति आ गई इसमें, यहाँ गर्ल के लिए क्या है हटा गया है, यहाँ राहुल डॉक्टर के लिए उसका पिता राहुल से उसका संबंध हो गया, आए भरती ने स्कूल को आए का किससे संबंध हो गया माय से, आए का किससे संबंध हो गया माय से। और ये सेंटेंस जो है आपको यानी इसमें चेंज करने क्लॉज के रूप में क्या करने बताओ चेंज करने आपको। ये जो था आपका यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया, यानी टॉपिक जो था आपका यहाँ तक क्लियर है। अब चर्चा करेंगे अगले उसकी, वो है आपका क्लॉज के अंतर्गत। देखो आगे सेंटेंस होमवर्क के रूप में आप इनको देखना नोट करना आप इनको। हाँ जी अगला है आपका नंबर 4 नंबर 4 आपका और वो है यूज ऑफ विच, यूज ऑफ विच, यूज ऑफ विच। देखो बताओ विच का हिंदी अर्थ होता है किसका या किसकी, और इसका क्वेश्चन जो होता है किसका या किसकी के रूप में पूछता है, लेकिन जब हम आंसर देते हैं तो आंसर यानी जिसका या जिसकी के रूप में आता है, जिसका या जिसकी के रूप में। देखो बताओ इसका हिंदी, इसका हिंदी अर्थ, इसका हिंदी अर्थ जिसका, जिसका जिसकी जिसके, इसका हिंदी अर्थ जिसका जिसकी जिसके होता है, इसका हिंदी अर्थ जिसका जिसकी होते, जिसका जिसकी जिसके होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग लाइफलेस, लाइफलेस थिंग पोस्टर में लिख लो बेटा, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, लाइफलेस थिंग निर्जीव वस्तुएं। देखो बेटा इसका प्रयोग जिसका जिसकी जिसके के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो लाइफलेस थिंग, लाइफलेस थिंग का मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं तथा, निर्जीव वस्तुएं तथा एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स हो गया जानवरों, बर्ड्स हो गया पक्षियों, जानवरों पक्षियों के लिए, जानवरों पक्षियों के लिए किया जाता है, जानवरों तथा पक्षियों के लिए भी किया जाता है। आगे देखो बेटा उसमें विच का प्रयोग,
विच का प्रयोग सब्जेक्ट, विच का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता एवं ऑब्जेक्ट कर्म, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट कर्म दोनों रूपों में होता है, दोनों रूपों में होता है। इस विच का प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। आगे बताओ, इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर तथा बहुवचन प्लूरल तथा बहुवचन प्लूरल दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। देखो बेटाओ, इसका प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन, इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। आगे देखो बेटा, इसमें किया जाता है, आगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि रिक्त स्थान से यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पशु पक्षी हो तथा रिक्त स्थान से पहले कोई पशु पक्षी हो तथा रिक्त स्थान के बाद तथा रिक्त स्थान के बाद रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट की यानी कर्ता की वर्ब सब्जेक्ट की वर्ब उपस्थित हो तो सब्जेक्ट की वर्ब उपस्थित हो तो वहां रिक्त स्थान में विच का प्रयोग किया जाता है, वहां रिक्त स्थान में विच का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, ये कह रहा है यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पशु पक्षी हो, क्या हो, एनिमल्स और बर्ड्स हो, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई कर्ता की वर्ब उपस्थित हो, यानी पहले तो पशु पक्षी का नाम आ जाए या पशु पक्षी हो और उसके बाद कर्ता हो और कर्ता की क्या हो, क्रिया उपस्थित हो, कर्ता की क्या उपस्थित हो, क्रिया उपस्थित हो, तो वहां रिक्त स्थान में विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, नोट डाल के लिखो, इसमें नोट में लिखो, सामान्यतः कभी कभी विच का प्रयोग सामान्यतः कभी कभी विच का प्रयोग दैट के स्थान पर होता है। सामान्यतः कभी कभी विच का प्रयोग दैट के स्थान पर होता है तथा दैट का विच के स्थान पर तथा दैट का विच के स्थान पर, यानी दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखना। बताओ
ई दैट का प्रयोग जो होता है वो बिच के स्थान पर होता है और बिच का प्रयोग जो होता है वो दैट के स्थान पर होता है। एक बार देखो इसका हिंदी अर्थ, जिसका जिसकी जिसके होता है, इसका प्रयोग लाइफलेस इन मृत्यु वस्तुएं एनिमल्स जानवरों पक्ष पक्षियों के लिए किया जाता है। बिच का प्रयोग कर्ता एवं कर्म दोनों रूपों में होता है, कर्ता प्लस कर्म दोनों रूपों में होता है। इसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पशु पक्षी हो तथा रिक्त स्थान के बाद कर्ता की वर्ग उपस्थित हो, कर्ता की वर्ग उपस्थित हो तो वहां रिक्त स्थान में बिच का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कभी कभी बिच का प्रयोग दैट के स्थान पर भी होता है तथा दैट का बिच के स्थान पर। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल नोट फॉर्मूला लिखो इसको पहले। फॉर्मूला नोट डाल लो बेटा इसमें फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लिखो आप लोग फॉर्मूला में लाइफ लेस किंग एनिमल्स वर्ड्स लाइफ लेस थिंग्स एनिमल्स वर्ड्स प्लस बिच प्लस बिच प्लस बर्ड प्लस एक्सेट्रा लाइफलेस थिंग्स एनिमल्स बर्ड्स बिच बर्ड और आपका शेष वाइट बिटाओ। इसमें लिखो नीचे पोस्टर बनाते बिच का प्रयोग करते समय बिच का प्रयोग करते समय एक प्रोनाउन बिच का प्रयोग करते समय एक प्रोनाउन या अन्य कोई अन्य कोई वस्तु जानवर आदि के नाम को हटा देते हैं नोट कर लो बेटा इसमें कि बिच का प्रयोग करते समय इफ प्रोनाउन आ जाए, ठीक है बेटा, या अन्य कोई वस्तु जानवर का नाम आ जाए तो उन्हें क्या करेंगे, हटा देते हैं और उनके स्थान पर बिच लगा देते हैं। एग्जांपल लिखो बेटा आई बॉट ए बुक इट इज इन इंग्लिश। देखो बेटा आई बॉट ए बुक, मैंने पुस्तक खरीदी तो पुस्तक इसमें निर्जीव हो गई कि नहीं हो गई, निर्जीव हो गई। अब ये देखो कि पुस्तक के लिए कौन सा यानी वस्तु यहाँ पे है, कौन सा यानी आपको कर्ता प्रयोग हुआ है। देखो देखो बुक के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इट का, किसका हुआ बेटा, इट का। तो इट को क्या करेंगे इसमें से हटा देंगे, यदि यहाँ पे एक बुक होता या दा बुक होती तो उसको भी क्या करते हैं हम हटा देते। तो देखो चेंज कैसे होगा, ये इधर नजर आए बॉट ए बुक आए बॉट ए बुक बिच इज इन इंग्लिश बिच इज इन इंग्लिश।
अब देखो बेटा इसका प्रयोग इसमें हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसका प्रयोग इसमें क्या हुआ, यानी इसके अंतर्गत किया गया। दोबारा से देखो, यानी आई बॉट ए बुक बाय द सेम आ गया, उसके बाद ये डाटा के किसका प्रयोग कर दिया, बिच का, और बिच के बाद इन इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखो बेटा, दिस इज द क्लास, दिस इज द क्लास, द क्लास इज वेरी फाइन, द क्लास इज वेरी फाइन। अब देखो बाय के आपके सामने द क्लास और द क्लास सेम आया कि नहीं आया, निर्जीव हो गया, निर्जीव हो गया तो बिच का प्रयोग हुआ। देखो कैसे होगा, दिस इज द क्लास, दिस इज द क्लास बाय आ गया, बिच का ये हट जाएगा, बिच यहाँ पे लगा देंगे और बिच लगाने के बाद इज वेरी फाइन, इज वेरी फाइन। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गए। एक दो बाइक आप होमवर्क के रूप में लिखो बेटा, हो नंबर थर्ड, आई बॉट ए शर्ट, आई बॉट ए शर्ट, द शर्ट इज ग्रीन, इससे जोड़ना है। नंबर फोर, अनिल इज ए वुड कटर, अनिल इज ए वुड कटर, ही कट्स ऑन द ट्री एट हियर, इसमें भी बीच का प्रयोग करना है। ये सेंटेंस आपके होमवर्क के रूप में, जो बीच का प्रयोग था इतना ध्यान रखो कि निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है। ये जो था बीच आपका क्या हो गया बताओ, कंप्लीट हो गया। आगे की चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।